नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 9 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से एक बड़ी खबर। कालीचरण की जेल से रिहाई हो गई है। 3 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद बाबा कालीचरण की रिहाई आज हो गई। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर FIR हुई थी। रिहाई के बाद समर्थक वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में समर्थक जैसे ही पहुंचे उसके बाद एक भव्य जुलूस निकाला गया। तो ये तस्वीर देखिए आप, रायपुर में ही मंदिर पर पहुंचकर मां के दर्शन किए और हाथों की मुद्रा बनाकर उनका धन्यवाद किया। तो प्रणाम करने की अपनी अलग अलग मुद्रा है, लेकिन रिहाई हो चुकी है और चेहरे पर खुशी है कालीचरण बाबा के, और उनके समर्थकों ने भी जयकारे के नारे लगाए। तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे रायपुर से। 3 महीने में लगातार प्रयास हुए, लेकिन अब 3 महीने बाद जेल से छूट गए। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद FIR हुई थी, और इससे पहले आपको बता दें कि FIR हुई उसके बाद जेल गए। जेल के बाद लगभग 3 महीने जेल में रहना पड़ा। इससे एक दिन पहले रिहाई के कागज भी आ गए थे, लेकिन जो जमानतदार था वो कागज पूरे नहीं दे पाया या कुछ कमी रह गई, उसके बाद आज रिहाई संभव हो पाई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, कालीचरण की जेल से रिहाई हुई है, समर्थक खुश हैं, बाबा भी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कालीचरण की जब गिरफ्तारी हुई थी तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बना था। लगातार इसको लेकर अलग अलग संगठनों के दबाव भी पड़ रहे थे कि कालीचरण की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, लेकिन कानून जो है वो अपने ढंग से काम कर रहा था। जो धाराएं लगाई गई थी वो काफी गंभीर थी और इसीलिए जमानत जो है वो उन्हें 2 बार नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पे चालान प्रस्तुत हो चुका है और हाई कोर्ट ने इस मामले में कालीचरण को 4 दिन पहले जमानत दी थी, लेकिन जो तकनीकी जो कागजात जमे होने चाहिए थे वो समय पर जमा नहीं हो पा रहे थे, और यही वजह है कि लगातार कालीचरण की जो रिहाई है वो टलती जा रही थी। कल भी जो महाराष्ट्र में केस कालीचरण पर था उस संबंध में जो NOC है वो लेकर उनके वकील पहुंचे थे, लेकिन वो डायरेक्ट स्पीड पोस्ट से जब तक जेल प्रशासन को नहीं मिल गई तब तक उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी। तो वो कागज आ गए हैं और उस आधार पर आज कालीचरण की रिहाई हो गई है। तो जो समर्थक उनकी रिहाई की राह तक रहे थे, कल भी ढोल बजाकर उनका स्वागत करने की तैयारी थी, लेकिन निराश थे। आज बड़ी संख्या में समर्थक आज भी जमा थे। तो कालीचरण जब बाहर आए मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद उनको लेकर कालीचरण को लेकर समर्थक रवाना हुए हैं। तो जिसका इंतजार समर्थक कर रहे थे कि उनकी रिहाई हो, वो रिहाई हो गई है। हालांकि ये जो केस है वो आगे चलता रहेगा और बताया जा रहा है कि उन्हें पेशी में बार बार आना होगा, लेकिन जिस रिहाई का इंतजार था वो रिहाई हो गई है। फिलहाल ये मामला क्योंकि विचाराधीन है कोर्ट में, इसलिए कोई बड़ा बयान या कोई प्रतिक्रिया अपनी ओर से कालीचरण की ओर से अभी नहीं दी गई है। ठीक, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मोहन। तो प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है, और प्रतिक्रिया ही दी थी उसकी वजह से जेल जाना पड़ा था। तो फिलहाल बहुत सोच समझ कर वो अपना बयान देंगे, आगे भविष्य में क्या तय करते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बात भोपाल की, MP कांग्रेस का एक बड़ा फैसला सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनेगी, पार्टी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीनियर विधायक, तो ये तस्वीर आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब कमलनाथ के घर पर इन नेताओं की बैठक हो रही थी। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा फैसला यह लिया गया है। तो MP कांग्रेस का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनेगी, समिति बनेगी। ये कमेटी, ये समिति ये तय करेगी कि हर सप्ताह बैठक के एजेंडे क्या रहेंगे, किन किन सब्जेक्ट पर बैठक करना है, पार्टी के नेताओं की एकजुटता के लिए क्या किया जाए, पार्टी की एकजुटता के लिए क्या किया जाए, किस इलाके में कितने विधायक हैं, कहां कितने वोटों से हारे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, सिंधिया के जाने के बाद पार्टी की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, वो तमाम बिंदु। साल भर का, साल डेढ़ साल का वक्त है, इस डेढ़ साल में सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनकर कैसे उभरना है, सारे नेताओं को एकजुट कैसे होना है, मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है, तमाम तरह की बातें जरूर हुई होगी आज।
और आगे भी इन्हीं बातों को लेकर सप्ताह में एक बार बैठक हो जाएगी। कमलनाथ के बंगले पर नेताओं की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्रियों की बैठक थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अजय सिंह मौजूद रहे, अरुण यादव, सचिन यादव, जीतू पटवारी, तरुण भनो, सुरेश पचौरी, एनपी प्रजापति, प्रियव्रत सिंह इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में आपको बता देंगे कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है, लेकिन आगामी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा या नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, जो इस तरह के सवाल उठ रहे थे, क्या वहां इन पर चर्चा हुई, क्या उन पर कोई बातचीत हुई? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष चुनना है तो विधायक दल की बैठक बुलानी होगी, लेकिन उससे पहले सीनियर नेता, अलग अलग क्षेत्र अपने इलाके के, उनसे भी बातचीत करनी होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी कांग्रेस की आज, या ये कहें कि सरकार जाने के बाद से लेकर अब तक इस तरह की बैठक देखने को नहीं मिली। बिल्कुल विजय, आपने ठीक कहा, लंबे अरसे के बाद वो वही नजारा याद आ रहा 2018 का। हाँ, एक चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस बैठक में नहीं है, नहीं तो 2018 के दौर में जब चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बैठकें होती थी तो उसमें तमाम चेहरे दिखाई देते थे। लेकिन आज की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, और जिस मुद्दों पर चर्चा हुई है, चाहे संगठन को और मजबूत करने की बात हो या कई ऐसे विवाद जो चल रहे हैं उनको निपटाने की बात हो, तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसीलिए एक कमेटी भी बनाई गई, और ये कमेटी जल्दी कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी एक अलग मोड पर है और चाहती भी है जहां जहां जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर लिया जाए। काफी लंबी चली है बैठक, करीब 7 बजे बैठक शुरू हुई थी और अभी हम देखें तो 2 घंटे लगभग ये बैठक चली है, और बैठक में सभी को जो अंदर से खबरें आ रही, सभी ने अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रखी, बंद कमरे में चर्चा होती रही। लेकिन बाद में जो चीजें सामने आई उसमें एक कमेटी बनाई गई, सुरेश पचौरी, एनपी प्रजापति, पीवत सिंह जैसे लोगों को उसमें शामिल किया गया। बड़ी बात यही रही कि तमाम बड़े लीडर आज बैठक में मौजूद थे। विजय जी, मनोज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछूंगा मैं यहाँ, क्योंकि आप लगातार नेताओं के बीच रहते हैं और चेहरे की भाव भंगिमा को बखूबी समझते हैं। आज जब हम ये मीटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह हर किसी के चेहरे पर टंगा हुआ था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई बार जो भाव भंगिमा होती है वो बहुत कुछ कह देती। आप देखिए, चाहे अरुण यादव के चेहरे की बात करें या फिर अजय सिंह के चेहरे की बात करें या फिर सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी, खुद कमलनाथ को भी हम देखें तो जो तस्वीरें बाहर आई वो तस्वीरें ये कह रही कि कुछ तो अंदर चल रहा था। पीसी शर्मा अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, गोविंद सिंह, जो डॉक्टर गोविंद सिंह है, वो हमेशा बहुत अलग ढंग से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, जो खबरें आ रही हैं। मनोज जी, आपको रोक रहा हूँ, नेता बाहर निकल रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपसे लगातार चर्चा करता रहूंगा। जैसा जीतू भाई ने बताया, हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूरिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी और सभी नेता, उन सब हम सबका ये संकल्प है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2023 में हम वापस पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनप्रिय सरकार स्थापित करेंगे। बात जागरूकता की, असल बात यह है कि मध्य प्रदेश में फिजिकली आंदोलनों की जमीन पे जाके हर वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ने की पार्टी को आवश्यकता है, और मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहता, उसका कार्य योजना आपको बनानी बताएंगे, लिख के देंगे, प्रेस नोट में आएगी। कि मैंने मोटा मोटा बताया, महंगाई, करप्शन, आर्थिक बदहाली, किसान की नीड, किसान के हालात और बेरोजगारी। ये मध्य प्रदेश का, आप ये देखो कि व्यापम पे भरोसा नहीं रहा मेरे प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश का मुख्य। चलिए, मोटा मोटा जो कह रहे हैं बता रहे हैं जीतू पटवारी और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, वो कह रहे हैं कि हमने 3-4 मुद्दे तय किए हैं, आगे चुनाव में कैसे लड़ना है, जमीन पर कैसे जाना है, जमीन पर फिजिकली कैसे लड़ाई लड़नी है, उसको लेकर कांग्रेस तैयार हो रही है। हमारे साथ सूरज भी बने हुए हैं और मनोज जी आप भी बने रहिएगा। सूरज, एक सवाल आपसे यह बनता है, बाहर जब आए तब वही एग्रेशन दिखा या कुछ और प्रतिक्रियाएं थी? बाकी नेताओं से आपने पूछा, किसी के सवाल जवाब में कोई अंतर था या वैसी सब बात कर रहे थे जैसी बात जीतू पटवारी कर रहे हैं? और इनके चरित्र में, इनकी बातें,
नेताओं का निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है अभी। सिर्फ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और वित्त मंत्री तरुण भनोट निकले, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो एक मोटा मोटा लबोलुआब है जो बता रहे हैं कि करप्शन महंगाई को लेकर बात करेंगे, इसके अलावा क्या उन मुद्दों पर भी बात हुई कि किस तरीके से संगठन को एक साथ रखना है, खासतौर से नेताओं के बीच समन्वय बनाकर, ताकि जब 2023 के बीच में चुनाव में जाएंगे तो कम से कम पार्टी के सभी नेता एक मंच पर हों? मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, सबसे पहली चर्चा यही बैठक में हुई, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी, माननीय अजय सिंह राहुल जी, माननीय अरुण यादव जी और उपस्थित सभी जो कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रदेश के हैं, उनने ये कहा कि 2023 का चुनाव हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो कहीं कोई किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों के लिए सारे नेता प्रदेश का दौरा करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार कांग्रेस की। चलिए, एकजुटते से एकजुटता होना, एकजुटता की बात कही जा रही है। सूरज मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बाहर आकर वही बात कर रहे हैं जो अंदर तय किया गया होगा कि बाहर क्या कहना है मीडिया से? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यदि ऐसा कर रही है कांग्रेस तो ये भी लाइन ठीक है, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि बाहर जाकर आपको क्या कहना है, किन मुद्दों पर बोलना है। लेकिन कई बार कुछ नेता ज्यादा बोल जाते हैं, पर आज ऐसा नहीं है। तरुण भनोट को जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा सूरज उनसे बात कर रहे थे, तो उससे समझ आ रहा है कि पार्टी की लाइन क्या है, यानी मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की। और कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव होंगे, यदि हम सीधे तौर पर एक बड़ी लाइन देखें तो बड़ी लाइन यही नजर आती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर छूट जाता है, क्या कमलनाथ बाकी पदों पर बने रहेंगे? यदि सूरज ये पूछ पाते और ये जवाब मिल पाता तो शायद समझ आता। जो दिन भर से खबरें चल रही है कि विपक्ष के नेता भी वही होंगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही बने रहेंगे, तो ये सवाल जरूर अभी बना हुआ। वाकई ये सवाल जवाब भी हम करेंगे, सूरज उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, और सूरज लगातार बात करते रहिएगा। भोपाल के कर रहे हैं शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया गया है, रविशंकर शुक्ल मार्केट 5 नंबर के पास रहवासियों का प्रदर्शन है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान गुड्डू ने भी प्रदर्शन किया, स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों के साथ विरोध प्रदर्शन जताया है। रहवासी इलाके के पास दुकान खुलने का विरोध है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 नंबर के पास रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है शराब दुकान खुलने को लेकर। प्रदेश में अलग अलग विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें आई हैं। और सोमवार को माखन नगर में सीएम शिवराज ने नशा मुक्ति अभियान का ऐलान किया तो सियासत भी बदलने लगी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए लंबे समय से लगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नरम दिखाई दी। उमा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्त अभियान को अपना समर्थन दिया। वे चौहान के नशा मुक्त समाज अभियान में अब भागीदार बनने जा रही हैं। शराबबंदी पर मिले सुर, माखन नगर में नई मुहिम का ऐलान, अब चलेगा नशा मुक्ति अभियान। उमा ने मुख्यमंत्री को कहा शुक्रिया। जब तक नशा मुक्ति अभियान नहीं चलेगा तब तक पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं, जहां बंद करो वहां भी आ जाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश का हमने नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला किया है। इसको बाकायदा लॉन्च करके और लोगों से अपील करेंगे कि परिवार तबाह होता है, शरीर तबाह होता है, धन तबाह होता है। ये काम कठिन है क्योंकि सामाजिक बुराई है। ये जनता के मन से ही ये चीज खत्म हो सकती है कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का माखन नगर से किया यह ऐलान प्रदेश की सियासत में तो हलचल पैदा कर ही रहा है, साथ में उस पॉलिटिकल डिबेट पर भी विराम लगा रहा है जिसमें शराबबंदी मुहिम को लेकर उमा भारती को अलग थलग बताया जा रहा था। खुद ही देख लीजिए उमा ने शिवराज के लिए क्या ट्वीट किया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मुझे खुशी है कि सीएम ने नशा मुक्ति अभियान की घोषणा की। पिछले कुछ दिनों में शराबबंदी को लेकर उमा भारती के कड़े तेवर दिख चुके हैं। भोपाल की एक शराब दुकान में घुसकर उन्होंने पत्थर मारकर बोतल तोड़ी थी। उमा लगातार शराबबंदी को लेकर बयान भी दे रही थी। ऐसे में कहा जाने लगा था कि शायद उमा भारती शराबबंदी के जरिए पॉलिटिकल जमीन तलाश रही है।
लेकिन उमा तो सामाजिक बुराई को दूर करना चाह रही थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के साथ ही इसका आगाज भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।